दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद जो लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा था, उसमें अभी तक कहां कहां क्या क्या हो चुका है। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि कल हमने देखा था कि हालात बहुत बुरी तरह बिगड़ गए थे वहां पर। पुलिस को वाटर कैनन, टियर गैस और लाठीचार्ज तक का इस्तेमाल करना पड़ गया था। आज इस तरह के हालात ना हो, इसके लिए पहले ही इंडिया गेट में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, मीडिया को वहां से हटा दिया गया है और साथ ही साथ धारा 144 लगा दी गई है ताकि लोग जमा ना हो सके, और 10 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है। ये तमाम वो मेट्रो स्टेशन हैं जो इंडिया गेट या उसके आसपास पड़ते हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भी बंद रखा गया है, हालांकि ऑफिस आने जाने वाले लोगों को इससे बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया गेट के आसपास हालात ना बिगड़े, इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। और इस सबके बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार जो हमेशा से मांग करती आई है कि दिल्ली पुलिस उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, इस मांग को अब दोबारा दोहरा रही है, और वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पहुंची गृह मंत्री से मिलने कल, ये बताने कि ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया है इस पूरे मामले को, और संदीप दीक्षित ने तो कमिश्नर को हटाने की मांग ही रख डाली। प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने ट्वीट किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस सबके बीच खबरें आ रही हैं कि पीड़ित लड़की के पिता ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वैसे आपको बता दें कि लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, उसके प्लेटलेट काउंट लगातार उसका कम हो रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उसकी हालत को लेकर अभी भी चिंता सता रही है।